हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम हियर। दिस इज गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इडियम फ्रेजेस की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम दो क्लासेस कवर कर चुके हैं। इन दो क्लासेस में हम 30 यानी मोर देन 60 इडियम फ्रेजेस कवर कर चुके थे। दोस्तों, सारे के सारे इडियम फ्रेजेस मैं लिंक और स्टोरीज के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए ये इडियम फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इडियम फ्रेजेस एक बार याद करने के बाद इन्हें आप बार बार भूलते हैं, लेकिन अगर आप लिंक या स्टोरी से याद करते हैं डेफिनेटली आप नहीं भूलने वाले हैं। इसीलिए आप इन्हें लिंक या स्टोरी से रिलेट कीजिएगा। कई सारे इडियम फ्रेजेस जिनके पीछे क्या स्टोरी है, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या बेस होता है, मैं उन सबको भी डिस्कस कर रहा हूँ। इसीलिए बने रहिए वीडियो में और चलिए हम सब इडियम फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। आप इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। फ्रेंड्स, द फर्स्ट इडियम बिफोर यू दैट इज गेट आउट ऑफ हैंड। आप इसका मीनिंग गैस कीजिएगा, क्या हो सकता है गेट आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, कोई भी चीज़ जो हाथ से बाहर हो जाए गेट आउट ऑफ हैंड इसके लिए यूज होता है। आपके पास ऑप्शन है टू कंप्लीट अ टास्क, किसी काम को पूरा करना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर होना, गिव अप समथिंग, किसी से गिव अप कर देना, और गेट अपसेट यानी कि अपसेट हो जाना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके मीनिंग का एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले इस पिक्चर को देखिएगा। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ है, दैट इज़ गेटिंग आउट। सो आपके हाथ में कोई पावर है, दैट इज़ गेटिंग आउट। और आपके हाथ में कोई और चीज़ है, कोई थिंग्स है, इस चीज़ के लिए अगर आप बोलते हैं दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड, सो आप इसका मतलब बोल सकते हैं इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल, यानी कि आपके वो कंट्रोल से बाहर है। तो आप कंट्रोल से बाहर के लिए गेट आउट ऑफ हैंड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल idiom है और इसको मतलब कोई लिंक विंक के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिए आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड का मतलब कोई चीज़ हाथ से बाहर जाने। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इसी तरह के कई सारे idiom phrases डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट idiom phrases हैं। इसमें एक वर्ड और जो मैंने मार्क किया है, गिवअप। यहाँ पर आप इसे भी याद कीजिएगा, गिवअप एक फ्रेजल वर्ब है। दोस्तों, गिवअप का मतलब क्या होता है? गिवअप का मतलब होता है टू सरेंडर, मतलब हार मान जाना, झुक जाना। टू यील्ड बाई IELD एक वो कैब है, इसका मतलब भी होता है झुक जाना, सरेंडर करना। तो आप गिवअप यूज कीजिएगा। गिवअप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई गिवअप स्मोकिंग, यानी कि मैंने गिवअप कर दिया है, स्मोकिंग छोड़ दिया है, या फिर किस चीज़ को छोड़ने के लिए, हार मानने के लिए आप गिवअप का यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने गिवअप कर दिया यानी हार मान ली है, तो इस तरह से आप गिवअप का यूज़ कर सकते हैं। आपने गेट आउट ऑफ हैंड इसको भी समझा। दूसरा idiom phrase आपके सामने है ए ड्रैगर स्टोन। जब आप SSC की कोई बुक उठाते हैं या फिर idiom phrases की कोई बुक उठाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसमें ये idiom phrase ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट idiom phrase है, हर जगह आपको मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए, डिसीविंग somebody, किसी को धोखा देना, विदाउट होप, फ्रेंडली विद ईच अदर, फ्रेंडली रहना, एंड बिटरली हॉस्टाइल, यानी कि हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, लेकिन वो दुश्मनी कैसी है, बहुत कड़वी दुश्मनी है। आप इस इमेज के द्वारा और समझिएगा। एट डैगर स्टोन का मतलब होता है मींस एट ओपन एनिमिटी, कट्टर दुश्मन हिंदी में से बोल सकते हैं। कट्टर दुश्मन यानी कि जो आपका ओपनली दुश्मन है, एनिमी है, उसके लिए आप बोल सकते हो। द टू ब्रदर एट डैगर स्टोन विद ईच अदर सिंस द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के डिवीजन के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको भी रीड कर सकते हैं। द टू कंट्री हैव सेवरल टाइम्स बीन एट डैगर स्टोन ओवर द फ्यूचर ऑफ द आइसलैंड, किसी आइसलैंड के इश्यू को लेकर वो दो कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के डैगर स्टोन है। डैगर स्टोन मतलब कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। तो दोस्तों, कट्टर दुश्मन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यानी कि बिटरली हॉस्टाइल, बाकी सब ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे, जबकि इसका मतलब होगा बिटरली एंड हॉस्टाइल। ओके दोस्तों, चलिए हम थर्ड idiom पर आते हैं। आप इन सबको अच्छे से समझिएगा। थर्ड idiom आपके सामने है टू पे प्ले डक एंड ट्रैक। इस idiom को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए और उनको आप खुद से ही कीजिए, कवर कीजिएगा। आपको जो लगे उनमें से कीजिएगा। यूज रेकलेसली एंड टू चेंज प्लेस एंड टू बी फ्रेंडली एंड टू एक्ट क्लेवरली, ये इसके चार ऑप्शन हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, प्ले डक एंड ड्रैक, डक का मतलब होता है बतख, ड्रैक का मतलब होता है नर बतख, लेकिन प्ले डक एंड ड्रैक एक गेम होता है। और इस गेम का मतलब जैसे आपने नदी किनारे, आपने तालाब के किनारे एक गेम खेला होगा, पानी में पत्थर तैराने वाला, ये वाला गेम आप पिक्चर में देख सकते हैं, पानी में पत्थर तैराने वाला जो गेम होता है, इस गेम का नाम होता है डक एंड ड्रैक। चूँकि इस गेम को जो खेलने वाले होते हैं वो केयरलेस होते हैं, मतलब चीज़ों को परवाह नहीं करते हुए बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के एक सेंस इसका निकल के आता है। इसीलिए इस idiom phrases का मीनिंग भी हो जाता है टू डक एंड ड्रैक, यानी कि ऐसे लोग जो रेकलेस होते हैं। रेकलेस मतलब
जो काम में निपुण नहीं होते, केयरफुली नहीं काम करते। ना केवल केयरफुली बल्कि अगर आप पैसा बर्बाद करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं डक एंड डेक, ही डक एंड डेक हिच मनी, यानी कि वो अपना पैसा बर्बाद करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें से चार ऑप्शन में से रेकलेसली हो जाएगा। रेकलेसली अगर ऑप्शन में आता है आप वो लगाइए, अदरवाइज केयरफुली ऑप्शन में आएगा उसे लगाइएगा। तो डक एंड ड्रैग सी मीनिंग आप समझ में आएगा, डक और ड्रैग। आप ऐसा समझिएगा डक और ड्रैग खरीदने में कोई पैसा बर्बाद कर रहा है, यानी कि मान के चलिए डक महंगी आती है, ड्रैग भी महंगे आते हैं, तो इनको का इनका कोई यूज तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हैं। जैसे कि वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट भी यूज का नहीं है लेकिन आप उसे खरीद रहे हैं, तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो आप इसे इस स्टोरी से याद रखिएगा। टुक टू देयर हील, अपने हील ले लेना, टुक यानी ले लेना, देयर हील यानी अपने हील ले लेना, अपने हील ले लेना, इसका मीनिंग क्या होगा? तो दोस्तों इसका मीनिंग निकलता है रन अवे, यानी कि भाग जाना। तो भाग जाने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। आप स्टोरी से कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए किसी ने अपनी हील उठाई और हील उठाने के बाद वो क्या करेगा, मतलब तेज दौड़ने के लिए ही तो हम हील अपने मतलब पैरों से चप्पल वगैरह ये निकाल लेते हैं, जूते वगैरह निकाल देते हैं, ताकि हम स्प्रिंट लगा सकें, यानी तेज दौड़ सकें, भाग सकें। तो इस तरह से आप समझिएगा। इसमें एक छोटी सी पिक्चर है, आप उसे देखिएगा। इफ़ यू टेक टू दे योर हील यू रन अवे, इट मीन्स द एक एग्जाम्पल देखिएगा। द थीप टुक टू हिज हील्स व्हेन द कॉप अराइव्ड, आई नो दे वुड लाइक टू देयर हील। तो इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है भाग जाने के सेंस में। दोस्तों काफ़ी सिंपल सिंपल ईडियम फ्रेजेस हैं, आगे वीडियोज़ में कुछ अच्छे अच्छे ईडियम फ्रेजेस भी आने वाले हैं, और वो ईडियम फ्रेजेस आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी रिपीटेड एग्जाम्स रिपीटेड हैं। और जैसा कि आपको सबको मालूम है, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम आता है, चाहे वो CGL हो, CPO हो, किसी में भी हो, मोर देन 80% रिपीटेड होता है। यानी कि अगर आप 10 ईडियम फ्रेजेस आपके पास हैं, और ये आउट ऑफ 200 मार्क्स 10 ईडियम फ्रेजेस अगर आपके पास हैं एग्जाम्स में, तो उसमें से आप 8 या 9 जो आप अपीयर करेंगे वो सबके सब आपके रिपीटेड होंगे। चलिए अगला देखिएगा। व्हेन राहुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइंड हिज जॉब, ऑल द मेंबर इन हिज फैमिली वर एट द विट्स एंड। एट विट्स एंड मतलब क्या होगा, मतलब जब उसने बताया कि उसने जॉब छोड़ दी, तो उसके सभी दोस्तों विट्स एंड पर थे, या फैमिली मेंबर को विट्स एंड हुआ, ये क्या था? वेरी सीरियस, वो सब सीरियस थे, एंग्री थे, परप्लेक्स थे, या एब्सोल्यूट सेटिस्फाई? सेटिस्फाई तो होंगे नहीं, क्योंकि राहुल की जॉब छोड़ने से सेटिस्फाई नहीं होने वाले। सीरियस हो सकते हैं, एंग्री भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकते अलग है, लेकिन मीनिंग क्या निकलता है वो मैं बता देता हूँ। विट्स एंड का मतलब क्या होता है? विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि का अंत, बुद्धि का अंत हो जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे आपको कोई डिसीजन लेने को बोला गया, लेकिन आपकी बुद्धि का अंत हो गया। बुद्धि का अंत हो गया यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। जैसे आपको कोई ऐसा डिसीजन, आप एज ए इंस्पेक्टर हैं और आपकी विट्स एंड हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करने वाले हैं, तो उस जगह पे आप विट्स एंड का यूज़ कीजिएगा, यानी कि परप्लेक्स हो जाना। टू बी फ्रस्ट्रेटेड और नॉट श्योर वॉट टू डू नेक्स्ट, यानी कि परप्लेक्स हो जाना, कन्फ्यूज हो जाना, तो कन्फ्यूज वाली स्टेट को आप बोल सकते हैं एट विट्स एंड। तो आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे और इसे याद भी रखेंगे। विट्स माने बुद्धि, और बुद्धि एंड हो जाती है, तो बुद्धि का एंड होना ही विट्स एंड होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? क्वाइट परप्लेक्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझे हैं, आई होप आप इसे कवर करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, सॉरी नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास फुल ऑफ बीन्स। क्या होता है फुल ऑफ बीन्स? फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक। चलिए मैंने पहले ही बता दिया, बाकी आपको भी पता ही होगा इसका मीनिंग। चलिए अब इसे कवर करते हैं वीडियो में, देखते हैं फुल ऑफ बीन्स को किस तरह से याद करेंगे। मैं इसका लिंक बताता हूँ आपको, आप पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक लिंक बताता हूँ। ऑप्शन है बीइंग अपसेट, अपसेट तो होना नहीं होता, बीन से भरा हुआ है, एनर्जेटिक होगा, लाइवली एंड एनर्जेटिक, ये ऑप्शन सही है। फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, क्रेजी आइडियाज भी नहीं होता, इन गुड हेल्थ ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, आप ऐसे समझिएगा जैसे कि आपके अंदर कैलोरी की कमी है, कैलोरी नहीं प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी होने पर क्या आप रोजाना रनिंग के लिए जा पाएंगे? नहीं। आपको जिमनास्टिक होंगे, जो रनर होंगे, ट्रेनर होंगे, वो आपको बोलेंगे बेटा बीन्स खाओ, बीन्स खाओगे आपको एनर्जी मिलेगी, और तभी आप मैदान पर वापस आना। तो बीन्स को समझिए, बीन्स यानी कि एनर्जी से है, और फुल ऑफ बीन्स है यानी कि अगर आपका स्टमक फुल ऑफ बीन्स है, इसका मतलब आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है आपका कीप वंस वाइफ इन द डार्क। ये वंस में अपोस्ट्रोफ एस लगा लेना आप। कीप वंस वाइफ इन द डार्क यानी कि अपनी वाइफ को डार्क यानी अंधेरे में रखना। यार अंधेरे में रखना यानी कि ये तो आप टू द बर्ड से क्लियर होगा, अंधेरे में रखने का मतलब क्या होता है? किसी को
इग्नोर करना, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना या फिर किसी से चीज़ों को छुपाना, ये सब इसका मीनिंग निकल के आ सकता है। तो इन द हाई पोजीशन ये हो नहीं सकता, डार्क प्लेस ये तो वर्ड का मीनिंग है। ईडियम फ्रेजेस का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं होता। इन इग्नोरेंस ये हो सकता है, इन द लॉक रूम नहीं हो सकता। तो ये दो तो हो नहीं सकते हैं, बी एंड डी, तो आपका सी होगा इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस वाली एक कंडीशन होती है, इसे आप वैसे समझ लीजिए, किसी आप किसी व्यक्ति को, वाइफ ही जरूरी नहीं है, हाँ ईडीएम में वाइफ है लेकिन वाइफ जरूरी नहीं है, आप दोस्त को, माँ पिता को, किसी को भी अगर अंधेरे में रखते हैं, इसका मतलब आप इग्नोर करते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह से उन्हें बताते हैं। तो आप इसी तरह से कवर कर रहे होंगे, आप इनके नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ साथ में, या फिर आप सुन भी लेंगे तो कवर हो जाएगा आपका। पाइन द स्काई 2017 CAGL, यस मैं CGL में ही अपीयर करता हूँ। 2017 जब मैं CGL दे रहा था तो मेरे प्री एग्जाम में एक आया था पाइन द स्काई, और आके मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि पाइन द स्काई मेरे एग्जाम में आया था, मुझे अच्छे से याद है। और इसे मैं गलत करके आया था, जो इसमें चार ऑप्शन आप देख रहे हैं तो उसमें से मैं सी टिक करके आया था, मुझे भी यही लगा था पाए इन द स्काई मतलब आसमान में कोई पाए है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग ये नहीं निकलता है, मुझे ये तभी से याद है। पाए इन द स्काई का मतलब होता है समथिंग नॉट पॉसिबल, मैं इसे समझा देता हूँ। पाई बोलते हैं इस पीस ऑफ केक को जो आपके सामने है, पीस ऑफ केक क्या आसमान में उड़ सकता है, क्या आसमान में जा सकता है, पाए इन द स्काई हो सकता है, नहीं। तो पाए स्काई में नहीं जा सकता, पाए इन द स्काई पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाए इन द स्काई। और इसी तरह से ये वर्ड निकल के आया है, ये idiom निकल के आया है, और इसका मीनिंग होता है एन इम्पॉसिबल, अनलाइकली और फैंसीफुल आइडिया और प्लान। ये बहुत अच्छा है, फैंसीफुल आइडिया, यानी कि कोई भी चीज़ जो आप फैंसीफुल करते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं आराम से CGL से जॉब ले लूं, ये फैंसीफुल है, आराम से नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना होगा। आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा दो चार घंटे पढ़ूं और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना होगा, और हार्डवर्क करना ही पॉसिबिलिटी को प्रूव करेगा। तो इसलिए पाए इन द स्काई का मतलब निकल के आता है समथिंग नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिहाइंड इट दिस idiom फ्रेजेस। चलिए फ्रेंड्स, वी मूव टू द नेक्स्ट idiom फ्रेज, दैट इज सेल लाइक हॉट केक। चलिए आपके सामने सेल लाइक हॉट केक, ये तो आपको वैसे ही क्लियर होगा, सेल मतलब होता है बेचना, लाइक मतलब की तरह, एक प्रपोजिशन की तरह हमने यूज किया है, इसमें आता है हॉट केक मतलब हॉट केक की तरह कोई चीज़ का बेच जाना। हॉट केक मतलब, अब आप ऐसे समझिए, ये थोड़ा सा बहुत जनरल है, मतलब आप ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, बाकी इसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपके पास दो केक हैं, एक केक है जो दो दिन पुराना है, ठंडा है, बेकार है, बासी है, और दूसरा है जो अभी अभी बन गया है, लोग क्या लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली यू नो बेटर कि लोग हॉट केक लेना पसंद करेंगे, यानी कि तो अगर कोई चीज़ हॉट केक है, हॉट केक का मतलब कि वो जल्दी बिचने वाली है, इसीलिए हॉट केक को हमेशा रिलेट कीजिएगा कि जो जल्दी बिचे, यानी कि सेल क्विकली। तो जब भी आपके सामने सेल लाइक हॉट केक आए, आप सेल क्विकली को यूज कीजिएगा, सारे के सारे लिंक से समझिएगा, किसी को भी ऐसे याद मत कीजिएगा सेल लाइक हॉट केक, यानी कि कोई चीज़ हॉट केक की तरह बिच गई, यानी कि बहुत जल्दी बिची। इन द सेम बोट, शायद मैं इसे अपनी पहली वीडियो में भी कवर करा चुका हूँ, चलिए हम इसे दोबारा देख लेते हैं। इन द सेम बोट का मतलब भी वही होता है जैसे मैं पहली वीडियो में कराया था, कि अगर मान के चलो आप सभी लोग एक ही बोट में हो, तो जो कंडीशन सबके लिए है वो आपके लिए है, जो विपत्ति सब पे आएगी वो आप पे आएगी, पानी बरसेगा आप पे बरसेगा सब पे बरसेगा, तूफान आएगा आपके लिए आएगा सबके लिए आएगा, यानी कि आप सभी लोग जितने भी लोग हैं वो सब एक ही सेम सिचुएशन में हैं। सपोज दैट यू आर अ एम्प्लॉयर इन अ कंपनी एंड योर कलीग इज ऑल्सो, सो यू एंड योर कलीग इन अ सेम बोट। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी से बॉयकॉट होता है, सॉरी पे ऑफ होता है, छटनी होती है, निकाले जाते हैं, या फिर आपका जो सैलरी डिक्रीज होता है, तो वो सबके लिए सेम होता है। तो इसीलिए इन द सेम बोर्ड का मतलब होगा इन अ सेम कंपनी, इन अ सेम सिचुएशन। जैसे आप समझिए CGL के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप भी, मैं भी, या फिर और कोई भी, वो सभी सेम इन द बोर्ड, सेम बोर्ड होते हैं, क्योंकि रिजल्ट आएगा, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, तो इस तरह से आप समझिएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर होगा, आप इसे भी याद मत कीजिएगा। और बाकी चार ऑप्शन तो आपके, तीन ऑप्शन रिलीवेंट नहीं है, चौथा ऑप्शन इन द सेम सिचुएशन ये बिल्कुल सही है।
चलिए दोस्तों इस वर्ड को क्लियर कीजिएगा, इसे पढ़िएगा। रवि इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, यानी कि रवि इज नॉट एबल टू डू वर्क इन दिस ऑफिस, काम करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? हार्ड वर्क इज ऑन हर हेल्थ, क्यों सक्षम नहीं है? इसका रीजन बता रहे हैं आगे। हार्ड वर्क इज, हार्ड वर्क क्या करता है उसकी हेल्थ के साथ? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका मीनिंग ये निकलना चाहिए, हार्ड वर्क जो है उसकी हेल्थ को डिक्रीज कर रहा होगा। अब डिक्रीज का जो सेंस निकलेगा वो हम देख लेंगे, बाकी आपने भी इसे अटेम्प्ट तो किया ही होगा। चलिए इसे देखते हैं। मेकिंग हर मीट बोथ हैंड्स, यानी कि जो हार्ड वर्क है, मेकिंग हर बोथ हैंड मीट का मतलब होता है कि गुजारा भर के लिए कमाना, जो इसका मीनिंग नहीं होगा। बाकी तीन ऑप्शन मैंने पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो इसमें था वो था टेक अ टोल, जो इसका ऑप्शन था वो सही था, करेक्ट था। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इसका मीनिंग कुछ ऐसा आ रहा होगा जो कुछ डैमेज कर रहा होगा, तो जो डैमेज करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं वो टेक अ टोल होता है। टेक अ टोल का मतलब होता है कि टू डिक्रीज टू डैमेज, नॉट रैपिडली बट विद टाइम कंटिन्यूसली। तो जब आप चीज़ों को धीरे धीरे कमी होती जाती है उसके लिए हम टेकिंग अ टॉल, टेक अ टॉल इसका यूज करते हैं। कीप एन आई का मतलब हो ही नहीं सकता, कीप एन आई नज़र रखना होता है। ब्लो हैट ऑफ हॉट एंड कोल्ड, ये idiom भी आप याद कीजिए, यानी कि जब कोई पर्सन इस तरह का होता है कि किसी इशू पर, किसी बात पर वो पॉजिटिव भी बोलता है नेगेटिव भी बोलता है, तो सामने वाले कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, मतलब सपोर्ट में भी है अगेंस्ट में भी है। तो यही होता है कि परप्लेक्स हो जाना किसी चीज़ को लेकर कि आप ब्लो हॉट एंड कोल्ड हैं, यानी कि आप क्या हैं, मतलब आप साथ हैं या अगेंस्ट हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं। अगला देखिए, व्हेन यू डिस्ट्रेस इट इज़ बेस्ट टू बी पेशेंस एंड फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ, यानी कि जब आप जो भी परेशानी में हो तो आप क्या पेशेंस रखें और इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करें, इस तरह का कुछ सेंस निकलेगा। तो देखते हैं परेशानी के लिए कौन सा आइडिया है। रिमेन ऑन हाई अलर्ट नहीं होगा। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी पर रखना नहीं। कॉल स्पेड का मतलब होता है, अच्छा ये idiom का मैंने मीनिंग बता देता हूँ। कॉल स्पेड का मतलब होता है किसी को काला है उसे काला बोल देना, यानी मुँह फट होना। तो मुँह फट होना मैं बताता हूँ, स्पेड एक स्लैंग वर्ड है जो अमेरिका में यूज किया जाता था अफ्रीकन लोगों के लिए, और अफ्रीकन लोगों को वो स्पेड बोलते थे। तो स्पेड को स्पेड बोल देना यानी काले को काला बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है। मुँह फट होना है तो मुँह फट होना ही अच्छी बात नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं, फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल वाटर, तो जब अपने आप को परेशानियों में घिरा हुआ पाओ तो इस तरह का है, ट्रबल वाटर में पाओ, परेशानियों में पाओ। तो ये कुछ इसका लग रहा है कि ये हो सकता है। तो देखिएगा, व्हेन यू ट्रबल इन वाटर, व्हेन यू आर इन ट्रबल वाटर, यानी जब तुम परेशानी में हो, इट इज़ बेस्ट टू बी पेशेंस एंड हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ। तो जब तुम परेशानी में हो तो ये बेस्ट है कि आप पेशेंस रखो और अपने इनर स्ट्रेंथ पर, अपनी अंदर की मजबूती पर भरोसा रखो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम कवर करते हैं। मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट आर डिस्ट्रेस विद चेंज इन कंपनी पॉलिसी, को तो कई सारे ओल्ड प्रोजेक्ट थे वो क्या हुए होंगे आई डोंट नो, लेकिन कंपनी की पॉलिसी उसमें कुछ चेंज हुए तो उनके साथ डेफिनेट है कि ओल्ड प्रोजेक्ट हैं उनको हटाई दिया गया होगा या फिर उनमें कुछ ऑल्टर किया होगा, तो देखते हैं क्या निकलता है। बीटिंग अराउंड द बस का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, इस idiom को आप कवर कीजिएगा। बीटिंग अराउंड द बस यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, ये भी आपका सिंपल सा idiom है। कॉट रेड हैंडेड, किसी को रेड हैंडेड कॉट करना यानी पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, सीधी सीधी बात है, रंगे हाथों पकड़ना यानी कि गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कि न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब नई उत्पत्ति होना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना, कोई पुरानी चीज़ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, आई थिंक यही बेस्ट है। मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट हैं, कई सारे ओल्ड प्रोजेक्ट हैं वो क्या बेकार हो गए होंगे, तो उनको जो कंपनी की न्यू पॉलिसी आई है, चेंज पॉलिसी में जो चेंज किया है तो उनमें क्या किया होगा, उनको न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया होगा, यानी कि उनको परिवर्तन किया होगा, यानी कि पुरानी चीज़ों को बदला होगा, नए रूप में ढाले होंगे। ब्रेकिंग द आइस, ये मीनिंग नहीं निकलता। ब्रेकिंग द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, किसी सभागार में आप सब शांत बैठे हैं, आप खुल के बोल रहे हो या फिर आपने शुरुआत की है बोलने की, वो होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कि पुरानी चीज है उनको परिवर्तित करते हुए नए रूप में ढालना, इस तरह का। अगला idiom देख लेते हैं, आई गॉट मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू फाइट। आई गॉट मेक आउट यानी कि मुझे पता चला दैट द कन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू अ फाइट, मतलब जो कन्वर्सेशन थी वो कहाँ लीड कर रही थी, टू फाइट, मतलब फाइट होने वाली थी कन्वर्सेशन के बाद में। सो इसीलिए मैंने क्या किया वो हम देखते हैं।
इसीलिए मैं क्या करूँगा, कट कॉर्नर करूँगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे, मतलब किसी चीज़ को करना जल्दी जल्दी में करना, जल्दबाजी में करना, तो रेगुलर तरीके से करना, वो कट कॉर्नर होता है। ये ऑप्शन मुझे रिलेवेंट नहीं लग रहा है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने, इस तरह का भी पॉसिबल नहीं है। मेड ए सॉन्ग, मेक अ सॉन्ग एंड ए डांस, मेक एंड ए सॉन्ग एंड डांस का मतलब होता है अननेसेसरी फस, यानी कि फालतू का विवाद होता है। तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है कि लड़ाई होने वाली थी और मैंने विदाउट अननेसेसरी फस क्रिएट किया, ऐसा तो नहीं है। यानी कि बिना काम का झगड़ा मैंने शुरू किया, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए है, निपिंदा बट। निपिंदा बट का मतलब होता है शुरुआत में ही किसी चीज़ को तोड़ देना, बंद कर देना। जैसे कि मान लीजिए निपिंदा बट, बट मतलब होता है कली, कली को निप कर देना, तोड़ देना शुरुआत में ही, निपिंदा बट, यानी कि शुरुआत में कली खिलते ही तोड़ देना, तो आगे फूल नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से अगर आपने झगड़े को पहले ही कर दिया तो क्या आप इसे झगड़े को आगे बढ़ाएंगे, नहीं। इसीलिए यहाँ पर निपिंदा बट होना चाहिए और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, कॉलेज कैन नॉट टेस्ट टेस्ट टू रैगिंग। अब जो भी है इसमें क्या ऑप्शन होगा वो देखते हैं। कॉलेज क्या नहीं कर सकते रैगिंग को, पता नहीं है क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट, एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से वो एंड सॉरी मैसेज आ रहा है। एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से कॉलेज क्या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि आँख नहीं बदल मतलब उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यही ऑप्शन सही है। कॉलेज अनदेखा नहीं कर सकते रैगिंग को, क्यों, क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट उनके सामने बैठा हुआ है। तो एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से वो उसे अनदेखा नहीं कर सकते, टर्न अ ब्लाइंड आई, मुझे ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। ऐड फ्यूल टू फायर, ये तो हो नहीं सकता, भड़काना होता है इसका मतलब। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे के लिए अपेक्षा करना, भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचना। लुक संबंध ना आई, ये भी उसका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाता है। दोस्तों हम बहुत अच्छे अच्छे ईडियम्स कवर कर रहे हैं, विश्वास मानिए ये सारे के सारे ईडियम्स डेफिनेटली है कि आप कई सारे एग्जाम्स में इनको अपीयर करेंगे और देखेंगे। मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि सारे के सारे ईडियम्स याद करने के बिल्कुल भी नहीं हैं। आप इन ईडियम्स को याद मत कीजिएगा। आपके सामने जो भी ईडियम्स आए, आप रोजाना में भले ही 10 ईडियम्स करो या 20 ईडियम्स करो, लेकिन करो उनको लिंक के साथ। अगर आपने लिंक के साथ एक बार याद कर लिए और लिंक नहीं निकल रही हो, तो आप उनमें ही उन वर्ड्स को उनका मीनिंग निकालते हुए लिंक निकालने की कोशिश करना, नहीं तो आप गूगल करना, कुछ भी करें लेकिन लिंक निकालें या स्टोरी पता करें। जैसे ही आपने स्टोरी और लिंक पता कर ली, डेफिनेट है कि आप फिर उन्हें याद नहीं करोगे, और याद नहीं करोगे तो वो याद रह जाएंगे, याद नहीं करोगे तो वो याद रह जाएंगे लंबे समय तक। समझे आप समझ के समझ लर्न कीजिए, उन्हें सीखिएगा उन्हें। अगला ईडियम फिर देखते हैं, लर्न यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू कांट हैव योर। अब इसमें क्या आएगा, सॉरी लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तो मैं प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, यू कांट हैव योर। अब हैव योर क्या, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं, यानी प्रायोरिटाइज कब करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में से किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं एक्लीज हील का मतलब क्या होता है। एक्लीज हील हो नहीं सकता है, यानी ये तो कोई आपका एक वीक पॉइंट होता है, अब वीक पॉइंट हबी जबी ये हो नहीं सकता है। हबी जबी आपका होता है एक स्टेट होती है जिसमें आप नर्वस होते हैं। हबी जबी बहुत प्यारा है, पहली बार अपियर हुआ है एसएससी में। ये पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है कि बाहर जाना और सेलिब्रेट करना, मतलब पूरे टाउन में सेलिब्रेट करते हुए घूमना है, इस तरह का पेंट द टाउन रेड। तो इस तरह का भी मीनिंग नहीं है, प्रायोरिटाइज करने की बात है। फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि बहुत सारे कामों में हाथ होना, यानी कि बहुत सारे कामों में बिजी होना। तो क्या बोल रहे हैं कि सुनो लेसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तुम्हें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। यू कांट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, तो तुम हर एक काम में अपना हाथ नहीं घुसा सकते हो। मतलब बहुत सारे बिजनेस है बंदे के, उन सारे बिजनेस के लिए उसे सजेस्ट करेंगे, तुम सभी बिजनेस में नहीं जा सकते हो, और आपको अपने काम में हाथ बटाना होगा। मैं एक बार फिर यहाँ से ये बता देता हूँ कि दोस्तों आप सारे के सारे जो idiom phrases आपके सामने आ रहे हैं, आप जैसे ही idiom phrase आपके सामने अपीयर हो, उसे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है दैट इज़ बेटर, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो को रन कीजिएगा और फिर उसके आंसर को समझिएगा। ये एकदम करेक्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आप केवल वीडियो को देखते जा रहे हैं तो ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है, इसमें फिर आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप इन्हें आंसर करें, और जैसे ही कोई ईडियम फ्रेज आपके सामने अपीयर हो, आंसर करें। आंसर करने के बाद फिर आप आगे मूव करें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे भी कवर करते हैं। अगला ईडियम फ्रेज हम देखते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरे वाह ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं।
फैक्ट्री ओनर्स आर प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज, फैक्ट्री ओनर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ कुछ किया है, देखते हैं क्या किया है। तो गवर्नमेंट हैज डेस्टेस ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाई क्लोजिंग देयर फैक्ट्रीज इन बिग सिटीज। तो जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी कंपनीज को बैन किया है, बंद किया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन हम एक बार फिट करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को हम समझते हैं, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द काफ, ना इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, यानी कि चीज़ों को अलग करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह से तो नहीं किया, उनकी कंपनीज को अलग तो किया नहीं गया है, उनकी कंपनीज को, कुछ कंपनीज को ब्लॉक किया है, क्लोज किया है, ठीक है। मेक नो बोन, नो बोन, नो बोन का मतलब होता है फ़ायदा, नो नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट के सेंस में इसको यूज़ करेंगे तो ये भी नहीं है। बीइंग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत जगह प्रयास करना, तो टू एफर्ट्स इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, तो ये भी इसका नहीं लग रहा मुझे। चौथा देखते हैं, अपसेट, देखिए इस पर ही क्लिक हो गया, अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट, सॉरी अपसेट द एप्पल कार्ट, इसका मीनिंग होता है टू स्पॉइल प्लान, यानी कि ये एक फिट बैठने वाला ईडियम फ्रेज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनके प्लान को क्लोज करके, उनको क्लोज करके उन्होंने उसके उनके प्लान को स्पॉइल कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, बाकी आप एक बार उसे रीड करोगे अपसेट द कार्ट के साथ में तो आपको एकदम समझ में आएगा अपसेट द कार्ट का मीनिंग। आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू फाइट, सो ये शायद मैं कर चुका हूँ, सॉरी ये फिर से एक बार और आ चुका है, ईडियम फ्रेज रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप इसे कवर कीजिएगा, चारों पर मैं बात कर लेता हूँ। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है, निप इन द बर्ड का मतलब होता है आप इसे पहले आंसर कीजिएगा और चारों की चारों जो ईडियम फ्रेज हैं इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं इन्हें डिस्कस करता हूँ। चलिए अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है, शुरुआत में तोड़ देना, यानी कि चीज़ों को खिलने से पहले ही तोड़ देना, निप इन द बर्ड होता है। जैसे कि आप कोई लड़ाई झगड़े को पहले ही निप कर देते हो, तोड़ देते हो, यानी शुरुआत में, या फिर इस तरह का कोई इडियम। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, आप जल्दबाजी में कट कॉर्नर करते हैं, कट कॉर्नर मतलब आप उसे बिगाड़ देते हैं चीज़ों को, आप जल्दी करना चाहते हैं, टू मेक फास्ट होता है इसमें, और टू मेक फास्ट करेंगे तो आप चीज़ों को चीपेस्ट तरीके से करेंगे और बेकार हो जाएंगे। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने, और मेकिंग अ सॉन्ग एंड अ डांस, तो ये मैं आपको कवर कर चुका था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। इन माई पेरेंट्स टाइम, पेरेंट्स के टाइम पर, बी मोस्टली एट होम, यहाँ बी की जगह पर डब्ल्यू ई होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट बनेगा, ये बी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, एट होम एंड फाइनली आउट गोइंग हैपन्ड, तो ये पास्ट की बात है क्योंकि हम हैपन्ड यूज किया है। अब देखते हैं इसमें क्या है, मतलब इन माई पेरेंट्स टाइम, पेरेंट्स के टाइम पर मतलब पास्ट की बात हो रही है, उस टाइम पर वी मोस्टली घर पर ही खाना खाते थे, और फाइनली आउट गोइंग हैपन, और फाइनली एक दिन इस तरह का हुआ कि आउट गोइंग, और एक दिन का ही सेंस इसमें निकल के आ रहा है, तो एक दिन का मतलब कभी कभार ऐसा हुआ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका, देखिएगा वंस इन अ ब्लू मून, आई थिंक यही बेटर ऑप्शन होगा, और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बिहाइंड द बैक, ये हो नहीं सकता है। फाइन फीदर, फाइन फीदर यानी कि कुशल, इस तरह का भी नहीं है। शोल्डर टू शोल्डर यानी कि कंधे से कंधा, यानी कि एकदम किसी के साथ रहना, किसी काम पर प्रॉपर हाथ बटाना, इस तरह का, तो ये इसमें से कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा है और सूटेबल नहीं है। बेटर है हम वंस इन अ ब्लू मून लगाएं। वंस इन अ ब्लू मून, इसको मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय में एक बार हो या कभी कभी हो, तो जो ना के बराबर चीज़ें होती हैं, कभी कभी होती हैं, बहुत समय में होती हैं, तो उन सब के लिए हम वंस इन अ ब्लू मून यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत रेयर, वेरी रेयर, बहुत कम, और रेयर से इस वर्ड में भी आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस का एग्जांपल्स भी। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स, ये एक बहुत अच्छा यूज है। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स का मतलब योर स्टूडेंट्स, उसमें से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो योर्स का मतलब ये है। हैज सच साउंड वैल्यू, सच साउंड वैल्यू का मतलब द गुड वन। सीज इंडीड मतलब असल में वह है, क्या है, अब इसको आपको बताना है।
तो हम बोल रहे हैं दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स, तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में से वो स्टूडेंट है सच साउंड वैल्यू, यानी कि इज अ ग्रेट वन, यानी कि यूनिक वन। अगर मैं साउंड वैल्यू का मीनिंग बता दूँगा तो आप idiom phrases में भी समझ जाएंगे। चलिए अब समझा देता हूँ यूनिक वन। और यूनिक के लिए हम रेयर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने मार्क देखा। रेयर वर्ड मतलब इस तरह का वर्ड जो लाखों में बहुत कम ही होते हैं, जैसे कि आपने सौंचरिया का नाम सुना हो, वो लाखों में एक है। इस तरह का बैरल ऑफ लव नहीं होता, बैरल ऑफ लाफ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला। पेन इन द नेक एंड पॉट कॉलिंग कैटल बैक, पॉट कॉलिंग कैटल बैक, ये बहुत अच्छा idiom है, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप देखिए एक पॉट है और एक कैटल है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी कि पॉट जो है कैटल को बोल रहा है तुम काली हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों ही काले हैं लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम काली हो। तो इसका मतलब समझिए कि दो चोर हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तुमने चोरी की, तो ये उस तरह का सेंस निकाल के दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्लेमिंग ईच अदर व्हेन बोथ आर गिल्टी, यानी कि जब दोनों ही गिल्टी हैं तब एक दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। तो आपने इन सारे idioms को समझा, इनके मीनिंग्स को समझा। ये 20 idioms तो आपके इन स्लाइड में थे, बाकी आपने इन सबके साथ में कुछ और idioms को जाना, तो आपने इस तरह से मोर देन 30 idioms को आपने कवर किया है इस स्लाइडों में। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप इन सबको मेमोराइज कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, और आप बस इन idioms को लिखिएगा, इनके मीनिंग वीनिंग कुछ मत लिखिएगा, और फिर याद कीजिएगा कि मैं इनसे रिलेटेड आपको क्या एक्सप्लेन किया हूँ। और मैंने जो भी एक्सप्लेन किया बस आप उसे लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें हैं आपको वो आपके माइंड में रखनी है, कुछ और नहीं रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको कोई भी ज़रूरत पड़े इंग्लिश के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर भी है 7791660076, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी कंसेप्ट इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क इन इंग्लिश ग्रामर, एंड एनी बुक ऐप इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इन अ इनोवेटिव वे। आप मेरी कुछ और वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिनमें मैंने वोकैब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाकी idiom phrases की वीडियो भी देख सकते हैं। वोकैब पे मेरा बहुत अच्छा काम है, मतलब 2-2.5 साल पहले मैंने काम किया है, तब जाके मैंने कुछ वोकैब्स निकाली है, कुछ ऐसी वोकैब्स अभी 5 वीडियो निकाल चुका हूँ, बाकी मैं इस तरह की 30-40 वीडियो और निकालने वाला हूँ वोकैब्स की। आप उन सबको देख कर बहुत अच्छा फील करेंगे, और बहुत जल्दी ईजी वे है उन्हें याद करने का, आप उन्हें देखिएगा। सो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and do like and subscribe. Thank you. Thank you very much.